बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपको मेरे चैनल लर्न एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में खुश आमदीद। आज से मैं एक नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ दोबारा। फिर मैंने पहले शुरू किया था लेकिन बाद में फिर बीच में बंद हो गया, तो आज से फिर मैं स्टार्टिंग वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो इस जरदोजी के काम में जो सबसे पहले हमें, थोड़ा सा तारुफ करा दूँ आपको, जो सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए, ये देखें, ये है आरी, दो किस्म की, डिफरेंट किस्म की ये वाली आरी है। ये जो इस वक्त मेरे हाथ में है इसको कहते हैं हम तिले वाली आली या रेशम वाली आरी। ये देखें, ये इस साइज़ की होती है, ये साइज़ आपके सामने है, इस साइज़ की होती है ये वाली आरी, ठीक है। तो ये बाज़ार से मिल जाती है, आम ही मिल जाती है, लेकिन आप जब भी बाज़ार से लें तो बाज़ार वाले से, दुकान शॉप वाले से कहें कि हमें ना अच्छी रेशम वाली आर दे। वो रेशम वाली आर देंगे ना तो वो अच्छी क्वालिटी में रहेगी, अच्छी क्वालिटी में मिलेगी और चलेगी भी बेहतरीन। अच्छा, ये तो होगी तिले वाली आरी। इसमें ये है, ये देखो पीछे दो दो सुराख बने नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये वाले जो मेरे हाथ में ये सुराख बना नज़र आ रहा है पीछे वाला, ये जो होती है ना लिहाफ सीने वाली सुई, बड़ी सुई होती है ये, उसकी बनी होती है। इसका लोहा अच्छा होता है और ये काफ़ी देर चल भी जाती है, रिलायबल होती है। ये होगी हमारी तिले करने या रेशम करने वाली आरी, ये इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अगली आरी है ये वाली, ये है स्पेशल सारे लगाने के लिए, सीक्वेंस लगाने के लिए, मोती वगैरह कट दाना हर चीज़ लगाने के लिए ये इस्तेमाल होती है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बना रहा हूँ ताकि आप ये बाज़ार से ख़रीद के लेके आ सकें, ठीक है। ये तिले वाली आर है। अच्छा, तिले वाली आर के साथ ये वाला तिला इस्तेमाल करेंगे हम। ये तिले का गोट होता है, सिल्वर कलर में मिल जाता है, गोल्डन मिल जाता है, तकरीबन हर कलर में बाज़ार से मिल जाता है। तो ये वाला गोट आपने लेना है, तिले वाला, सिल्वर तिल्ला या गोल्डन या जो भी आपको आपकी यूजेज के मुताबिक मुनासिब लगे वो वाला, एक ये लेना है बाज़ार से आपने। उसके बाद ये जो है ना तिल्ले वाली आरी, इसमें सिर्फ ये चलेगा, ये वाला तिल्ला जो है ना, ये वाला सिर्फ इस आरी में चलेगा जो तिल्ले वाली आरी है। लेकिन अब ये जो मोतियों वाली आरी है ना, ये इसके साथ तिल्ला नहीं चलेगा, इसके साथ बारीक मशीन का तिल्ला होता है, वो वाला तिल्ला इससे बारीक होता है वो चलेगा। या मोस्टली हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये प्लास्टर का धागा होता है, मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये बाज़ार से मिल जाती है, को 200-250 रुपये की मिल जाती है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी होती है, मेरे पास तो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एज ए इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ, ये बारीक धागा होता है, इसको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है, ये चीज़ें मेन आपको चाहिए अभी फिल वक्त, ये वाली, ये दो चीज़ें आपको चाहिए, ये सबसे पहले ये वाली, ये वाली और सीखने के लिए, जस्ट सीखने के लिए ट्यूटोरियल है, ये आरी चाहिए आपको ये वाली। सबसे पहले बाज़ार से आप ये वाली लेके आए, ये वाली चीज़ें। तो अगर किसी को ना मिले, किसी को चाहिए हो, पाकिस्तान भर में किसी को चाहिए हो, तो मुझसे रब्ता कर सकते हो, मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आपको भिजवा भी दी जाएंगी कोरियर के थ्रू, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।